येणाऱ्या 28 डिसेंबरला काँग्रेसतर्फे सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी यांच्या उपस्थितीत पक्षाचा स्थापना दिन नागपुरात साजरा केला जाणार आहे. यावर काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांनी शुक्रवारी माहिती दिली. त्यावर भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते अजय पाठक यांनी प्रतिक्रिया देत काँग्रेस नाना पटोले यांच्या संविधान बचावच्या घोषणेला प्रतिउत्तर दिलं आहे. डॉक्टर काँग्रेस के स्थापना दिवस को लेकर के तमाम तरह के विवाद हैं. गांधी जी ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए. कांग्रेस वहाँ से लेकर के और यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली की होकर के रह गई है, गांधी फैमिली की. और वो जिस संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने ही उस बाबा साहेब अम्बेडकर को लोकसभा में न पहुँच पाए इसके लिए चुनाव हराने का सारा इंतजाम इस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही किया. उनको लोकसभा में नहीं जाने देना है, ऐसा कांग्रेस ने तय करके उनको लोकसभा में नहीं जाने दिया. तो ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करती है. लोकसभा में उनके लिए कुछ बचा नहीं है. राहुल गांधी की जितनी उम्र है, हर साल सीटें उससे कम होती जा रही हैं. 2014 के चुनाव में 44 सीटें थी, 2019 के चुनाव में 52 सीटें थी. इस समय राहुल गांधी 54 साल के हो गए हैं. तो मेरी कामना है कि राहुल गांधी इस बार 54 सीटें लेकर के आएंगे. इससे ज़्यादा कांग्रेस और ख़ासतौर से गांधी परिवार के लिए कुछ भी बचा नहीं है. जहां तक रही बात नाना पटोले जी की या कांग्रेस के बाकी दिग्गजों की, उनके लिए अपनी खुद की जमीन नहीं बची है. महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है. कांग्रेस 0/0 है. जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस 0/0, उसी प्रकार से कांग्रेस महाराष्ट्र में भी 0/0 है. कांग्रेस के पास ना कार्यकर्ता है, ना संगठन है, ना कांग्रेस की नीति है, ना कांग्रेस की नीयत है. कांग्रेस सिर्फ एक चीज़ों के लिए जानी जाती है, वो है कि देश में जितने बड़े घोटाले होते हैं, अभी आपने देखा होगा, कांग्रेस के एक राज्यसभा सदस्य हैं, उनके यहाँ से इतिहास का सबसे ज़्यादा पैसा 350 करोड़ से ज़्यादा कैश उनके यहाँ से मिला है. तो कांग्रेस की नीति और नियत सिर्फ यही है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार. ये झूठी बातें फैलाने में कांग्रेस के लोग माहिर हैं. कांग्रेस का इस देश में अब